गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर क्लास प्लस टू। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल पे कितना टॉर्क एग्जिस्ट करता है, एग्जर्ट करता है, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसमें ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा। पैरेलल लाइन से हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है जिसकी स्ट्रेंथ है ई वेक्टर। उसके अंदर हमने एक डाइपोल रखा है जो हमारे फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हमने क्या रखा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई एंड वी हैव प्लेस ए डाइपोल। डाइपोल क्या होता है बेटा, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए। वी हैव प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P इज इक्वल टू क्या हो इनटू टू ए इन यूनिफॉर्म फील्ड विद एन एंगल थीटा। हमने ये फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। फिर से बता देता हूं क्या रखा है हमने, वी हैव एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई। Now we placed a dipole in the field with making angle theta with the E, जो E के साथ theta angle बना रहा है। Now the dipole moment of P is equal to क्या into 2A. Now force exerted on positive charge by the field. Positive charge पे कितनी force लगेगी, This is the force। हमने देखा है electric field किसके बराबर होता है, F upon क्या हूं। Now force is equal to क्या हूं into E vector. This is the force. और ये force किस तरफ लगती है बेटा, In the direction of field. Positive charge पर force किस तरफ लगती है, In the direction of field में. This is the value of force. Now force exerted on negative charge by the field is equal to minus Q into E. और ये किस तरफ लगती है हमेशा, Away from the field. एक नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अवे फ्रॉम द फील्ड। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स है वो इस तरफ लगेगी एफ नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है वो इस तरफ लगेगी एफ पॉजिटिव टुवार्ड्स द फील्ड। नाउ टोटल फोर्स इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, जीरो। हमने क्या देखा, टोटल फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, जीरो है। लेकिन एक और कंडीशन बन रही है यहां पर, क्या कंडीशन बन रही है, द फोर्स ड्यू टू फील्ड ऑन चार्जेस इज इक्वल, अमाउंट दोनों की इक्वल है क्या वो इनटू ई, बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर देखिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ लग रही है, टुवार्ड्स द फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ लग रही है, अवे फ्रॉम द फील्ड। इट मीन Both the forces are equal in magnitude but opposite in direction. और ऐसी forces क्या बनाती है, These forces form a couple. ये couple consist कर रही है, और couple हमेशा क्या exert करता है बेटा, torque. So it exert a torque. Now torque is equal to, torque किसके equal होता है बेटा, Either force into perpendicular distance between the two forces. Either force into perpendicular distance between the forces. Perpendicular distance mean ये हमारी दो फोर्स है, इनके बीच का ये perpendicular distance. हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को कंप्लीट किया, हमें ये साइड पता है, ये हमारा एंगल थीटा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटन्यूज, तो हमें ये साइड निकालनी है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटन्यूज P by H किसके बराबर हो गया, sin theta। तो हमारा P क्या रह गया, this side into sin theta, यानी 2A sin theta. This is the distance between two forces. Now torque is equal to either force क्या हुआ into A into distance between two forces, किसके equal आ गया, 2 into sin theta. Now क्या हुआ into 2A, क्या होता है बेटा, P is dipole moment, P E sin theta. P E sin theta, angle sin theta है, mean it mean vector product है दोनों के बीच का, तो हमारा torque क्या रह गया, P vector cross E vector. This is the torque exert on a dipole in uniform electric field. And cross product है बेटा,
तो डायरेक्शन ऑफ टॉरक किसके द्वारा बताई जाएगी? डायरेक्शन ऑफ टॉरक इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को ऐसे रखा है और फील्ड इस तरफ है, तो ये इस तरफ आउटवर्ड इसके ऊपर टॉरक है वो एग्जिस्ट करेगी। नाउ स्पेशल केस देख लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी हमने जब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, उस केस में साइन 0 और 180 क्या होता है? 0। टॉरक एक्सपीरियंस्ड बाय ए डाइपोल इज क्या होगी बेटा? 0 होगी। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री मीन हमने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है बेटा, परपेंडिकुलर, देन साइन 90 इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू, तो उस टाइम हमारी टॉरक भी क्या होती है? मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉरक पी डॉट ई, यानी हमारी मैक्सिमम टॉरक क्या होगी? पी इंटू ई होगी। इसमें थोड़ा सा बता देता हूं बेटा, व्हेन थीटा 0 होता है उस टाइम टॉर्क भी 0 होती है, फोर्स ऑलवेज 0 होती है, इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब हमारा थीटा 180 होता है उस टाइम फोर्स भी 0 होती है, टॉर्क भी 0 होती है, इस टाइम हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, क्योंकि इस टाइम वो थोड़ा सा अलिंग कर सकता है, थोड़ा बहुत घूम सकता है। फिर से रिपीट करता हूं स्पेशल केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो टॉरक हमारी क्या होगी? 0, साइन 0 क्या होता है? 0, और फोर्स ऑलवेज डाइपोल के ऊपर हमेशा 0 होती है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। व्हेन थीटा इज 180 डिग्री देन फोर्स इज 0 आल्सो टॉरक इज 0, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड नाउ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री then torque is equal to PE maximum, क्योंकि sin 91 और sin theta maximum होता है। Thank you, have a good day.